अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस टाइम अभी हम जलखंड में, जलखंड और यहाँ पे हमारा स्टे है। हमारे पास ये सामने कैंप है, हम रात को यहाँ स्टे करेंगे। इस टाइम शदीद ठंड है, आज 14 अगस्त है और आप देख रहे हैं मैंने जैकेट पहन लिया है। आप जब भी इस साइड आए, नारायण साइड, आप बाबू सर टॉप की तरफ ज़रूर आएगा। यहाँ के बहुत कमाल के व्यू है, मतलब इतनी ब्यूटी आपको नारायण में नहीं मिलेगी जितनी आपको नारायण से आगे मिलेगी। और यहाँ पे रहाइश का भी अरेंजमेंट है सारी। हमें जो कैंप मिला है, मतलब हमें 1000 में मिला है, वैसे ये 2000-1500 में आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा कैंप है। सेकेंडली, खाने पीने का आपको कोई इशू नहीं है, ये होटल भी साफ है। उसके अलावा यहाँ पर वाशरूम भी हैं, मतलब फैमिली वगैरह के लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके अलावा मैं आपको होटल का भी दिखाता हूँ कि मेरे लेफ्ट का होटल है, यहाँ पे लाइट है, आप मोबाइल जो है वो चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है और सेफ है। अब ये हम बाइक्स पे आए हैं, ये हमारे बाइक्स खड़े हुए हैं, ये हमारे बाइक्स खड़े हुए हैं और रात को यहाँ स्टे है। अभी कल हमने वापस सुबह सुबह निकलना है, हमने निकलना है वापस पारस की तरफ, मतलब नारायण से शुग्रान से पहले आता है पारस और हम जाएंगे शाहरान फॉरेस्ट की तरफ, वहाँ हमारा स्टे है। बाकी आज का जो हम आपको थोड़ा सा बता दूं, हम सुबह बेसिकली निकले थे 2 बजे निकले थे और बारिश की वजह से हमें 1 घंटा जो है हमें रावलपिंडी में हमें वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद शदीद तूफ़ानी बारिश में हम आगे की तरफ किए बाइक में। बिलीव करें, हमें बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये था कि हमें जुनून था। लोग कहते हैं कि यार बाइक में बेवकूफ़ी है, लेकिन मैं आपको जैसे ये कहता हूँ कि एक दफ़ा आपको इसका नशा बढ़ जाए, आप सोच है। और यहाँ पे बेशुमार बाइकर्स आए हुए हैं और मतलब 200 cc ऐसे बाइक्स आए हुए हैं, हैवी बाइक्स भी आए हुए हैं यहाँ पे आए हुए हैं। और उसमें जो आप उसकी बाइक की प्राइस कह लें कि 5 से 6 लाख रुपया, मतलब इतने में मेहरान गाड़ी आ जाती है। और आप देख लें, मतलब यहाँ पे कभी बाइक का एक्सपीरियंस, कभी भी आप मरी का स्पेशली कर लें, आपको इतना मज़ा आएगा ना बाइक का। सबसे बड़ के मज़ा ओपन हवा, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। सेकेंडली, मतलब आपको वॉमिटिंग वगैरह ऐसा कोई दिल ख़राब वगैरह नहीं होगा। और थर्ड जो है, अच्छा रही बात कि बारिश और लैंड स्लाइडिंग वगैरह, बारिश हो तो नॉर्दर्न रियर साइड ज़रा अवॉइड करें, मेन रोड में बारिश को कोई इशू नहीं होता। हम जब रात को 2 बजे निकले, उसके बाद हम आए हैं वहाँ से टेक्सला से हरिपुर, खानपुर डैम, फिर वहाँ से हरिपुर, फिर एबटाबाद। हमारा पहला जो स्टे था वो था हरिपुर, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद हम फिर एबटाबाद में दूसरा स्टे किया। वहाँ से हमारे और 2 कोलीग थे, हम 3 बंदे पिंडी से थे, 2 फिर एबटाबाद से हमने पिक किए और 5 बंदों के बाद उसके बाद हम फिर आगे बालाकोट स्टे किया हमारा पहला। और मैंने यहाँ पे बिलीव करें कि ठंड भी इतनी है, मतलब बड़ी ट्रैवलिंग है। हम यहाँ पे तकरीबन 5 बजे पहुँचे, मतलब बीच में ब्रेक करके। अभी जो रोड कंडीशन है शुग्रान से आगे, रोड बड़ी ख़राब है, उससे पहले रोड बहुत अच्छी कॉर्पोरेट है। इसी तरह बाबू सर टॉप से आगे जो रोड है, बाबू सर टॉप नारायण से बाबू सर टॉप, उस रोड के ये हालात हैं, आप 60% ठीक है और 40% ख़राब है, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। लेकिन ब्यूटी बहुत है, बहुत ब्यूटी है। आप इस टाइम स्पेशली सितंबर में आए, अगस्त में आए, अगस्त में देख लें कितनी जैकेट की वाला हाल है मेरा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, ये हमारे बाइक्स खड़े हुए हैं और यहाँ पे ये कैंप है। ये हमारे सामने जीप जो आप देख रहे हैं, ये अभी आई है रिसेंटली, ये देवसाई गई हुई थी अस्तौर और देवसाई से वहाँ से आई है। ये भी हमारे साथ यहाँ पे अभी रात स्टे कर रहे हैं, सुबह वापस जाना है।